Hey everyone, I am Divya and you are watching me on Shorthand Battle. आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू सिविल कोर्ट की ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसीज। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि हम यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में, जो कि है स्टेनोग्राफर की। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है, प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1186 वैकेंसीज हैं, जिसमें से हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 881 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 305 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज का इवैल्यूएशन 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा, इसका मतलब आपकी एज 18 ईयर्स 1 जुलाई से हो जानी चाहिए। ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे इसका है 2800। टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग जो है हिंदी की आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको रिक्वायर्ड है और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। बात करते हैं फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज फीस है, एससी एसटी के लिए 800 रुपीज फीस है स्टेनोग्राफर के लिए। अब बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट के बारे में, जो कि है क्लरिकल कैडर, जिसमें की दो पोस्ट आती हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1021 है। मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स है। क्राइटेरिया सेम है, 1 जुलाई 2022 से आपकी एज 18 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेड पे की बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपीज है, पेड अप्रेंटिस का 1900 है। पोस्ट दोनों सेम है, दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी सब कुछ सेम है, बस केवल आपके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको पेड अप्रेंटिस मिलेगा या फिर आपको जूनियर असिस्टेंट मिलेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं फीस की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 850 रुपीज है, एससी एसटी के लिए 650 रुपीज फीस है आपकी। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ड्राइवर की। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हाई स्कूल आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो तीन साल से पहले का होना चाहिए। इसका मतलब किसके पास नया लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है, आपका लाइसेंस एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 है, मिनिमम एज 18-40 ईयर्स है, क्राइटेरिया सेम है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, स्वीपर कम फराश। बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस आईटीआई से आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर किसी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज सेम है सबकी, इसका ग्रेड पे जो है वो 1800 रुपीज है। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली और इन सबके बारे में बात करते हैं, तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका हाई स्कूल है, इन दोनों का जूनियर हाई स्कूल है, ग्रेड पे 1800 रुपए है। लास्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्वीपर, इसका कोई ग्रेड पे नहीं है, ये फिक्स्ड है, आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी 6000 रुपीज की मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस जो है वो 800 रुपीज है, एससी एसटी के लिए 600 रुपीज फीस है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को फिल करने की डेट के बारे में, तो फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 30th अक्टूबर और इसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर 2022। पेपर जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिन एग्जाम कराए जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।